तो जैसे मैं एक क्लैप करूंगा तो चालू हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे तो अभी क्या हुआ, हवा यहाँ से बाहर निकलती है, तो ये एक्शन और रिएक्शन। ओके, तो न्यूटन थर्ड लॉ सीखने का ये भी एक तरीका है। हवा बाहर निकल रही है ना, तो उसको धक्का मिल रहा है, वो धक्का मिल रहा है। हाँ, एक्शन रिएक्शन। आप ये देखेंगे, हाँ, तो ये भी एक छोटा सा ट्यूब है, ठीक है। और ट्यूब हमने इसलिए बनाई है कि ट्यूब के दोनों तरफ हम कोई भी बॉटल जोड़ सके, दोनों को जोड़ सके, यानी दोनों बॉटल को जोड़ने का काम किया, ठीक है। अगर आपके पास एक छोटा सा वॉशर है, हाँ, और वॉशर दोनों बॉटल के बीच में रखो, हाँ, और टेप लगा दो तो भी चले, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी इसको मैं उल्टा करूं तो आप देखेंगे कि पानी ऊपर का नीचे जाता ही नहीं, हाँ, ठीक है ना, ऊपर का ऊपर ही रुका ऊपर का नीचे जाता ही नहीं है। लेकिन आप देखना अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं थोड़ा इसको घुमाता हूँ तो आप देखेंगे पानी चलना शुरू कि बॉटल के अंदर टॉर्नेडो, हाँ, वो जो उसमें बनता है वर्लपूल, हाँ, वर्लपूल, वर्लपूल जो, हाँ, बनता है ना, मैं फिर से करता हूँ, देखो तो वर्लपूल बन गया, हवा में टॉर्नेडो आता है, ये पानी में वर्लपूल बनता है, हाँ, है ना, कभी अपना नीचे लेके चला, कभी आपने देखा होगा बाढ़ आती है तब ऐसी चीज बनती है, नहर में, नदियों में, नहर में, नदियों में, देखो आपने जो बोला दो ही चीज बोला, नहर नदियों, कभी वर्लपूल तालाब में देखा आपने, नहीं, तो तालाब में नहीं देखा। तालाब में क्यों नहीं देखा, क्योंकि तालाब में पानी जो होता है वो स्थिर होता है, यहाँ पे स्थिर पानी है तो वर्लपूल बनेगा नहीं, तालाब में एकदम स्टेबल वाटर होता है, जो वहीं का वहीं रहता है, वो चलता है नहीं। लेकिन जहाँ पे नाला आपने देखा या तो नदी देखा, हाँ, तो मूविंग वाटर होता है, मूविंग वाटर में ये वर्लपूल बनता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसी तरह दूसरी चीज हमने बनाई है, इसमें और उसमें फर्क मात्र इतना है कि यहाँ पे एक ट्यूब ऊपर डाली है, एक पाइप नीचे डाली है ना। अभी मैं उनको उल्टा करूंगा तो बॉटल के अंदर फाउंटेन दिखता है, हाँ बिल्कुल, तो पानी नीचे के बदले ऊपर आ रहा है, फाउंटेन आ रहा है। तो ये देख के अगेन आश्चर्य होता है कि पानी, ये फवारा ऐसे कैसे बन गया। हाँ। तो देखो उदयपुर में एक जगह है सहेलियों की बाड़ी करके, हाँ, सहेलियों की बाड़ी जब राजा ने बनाई उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब भी वहां पे फवारे होते थे, हाँ, तो राजा साइंस जानता था, है ना। देखो ये एयर प्रेशर की वजह से यहाँ पे फवारे मिलते हैं, ऐसे उदयपुर में बहुत सारे फुहारे बरसों पहले लगाए थे। आपके पास जो भी चीज़ मिल जाती है उससे हम साइंस अच्छी तरह से सीख सकते हैं, फर्क मात्र इतना है कि हम कॉन्सेप्ट सीखते नहीं है, रट्टा मारते हैं। तो ये क्लैप स्विच है, बच्चे इनके साथ पंखा भी ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा। काम में क्या आता है, जब ठंडी के दिन में, हाँ, पथारी के अंदर हम लेट गए, हाँ, और स्विच बंद करने कौन खड़ा हो जाएगा, हाँ, तो क्लैप करो। तो बच्चे ऐसे अलग अलग आइटम अपने घर में बनाते हैं, लाइट बंद, तो साइंस का एप्लीकेशन, हमारा जो विज्ञान है ये डे टू डे लाइफ में कैसे काम में आता है वो भी सिखाना बहुत जरूरी है। ये जो है अर्थक्वेक सेंसर है। अच्छा। आप यहाँ पे देखेंगे, हाँ, तो ये एक अर्थक्वेक सेंसर, तो ये बता देता है कि जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, हाँ, और यहाँ पे समझ लो झटका आया, हलचल हुई, जैसे छोटी सी हलचल हुई तो उन्होंने सेंस कर लिया, और सेंस कर लिया और अलार्म बजने लगा। ओके, तो होगा, तो ये पूरी बिल्डिंग से सेट हो सकता है, पूरी बिल्डिंग में सेट हो सकता है। मैंने मेरी कार के ऊपर रख दिया, हाँ, और कोई कार, हाँ, खोलने की, तो भी, तो अलग अलग एप्लीकेशन इसके, मतलब उस ऑब्जेक्ट से कनेक्टिविटी होनी चाहिए।